हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब नए साल की स्टार्टिंग होने जा रही है। नए साल के साथ अगर केजी क्लासेस कुछ नया ना लाए तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए बहुत सारी नई डिस्कशन आपके साथ करनी है, कई क्वेश्चंस हैं आपके जिनके आंसर भी आपको देने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, किस तरीके से नया साल हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या नई चीजें आएंगी। थोड़ा बहुत तो आपको मेरे पीछे देखने से पता चल ही गया होगा कि एक्चुअली में है अच्छा जो सरप्राइज है, जो नया सरप्राइज है वो क्या है। और ये सिर्फ छोटा सा सरप्राइज है, आगे आपको कई और चीजें मिलनी है। इस वीडियो के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं कुछ लाइनें हैं जो लाया हूँ आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आप देख ही सकते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, कुदरत चिड़ियों को भी खाना जरूर देता है लेकिन घोंसले में नहीं। देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। घर में अगर आप बैठे रहोगे, आप घर में बैठ के कितना ही पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। घर में बैठे बैठे आप कितना पढ़ लोगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बाहर की दुनिया में कोचिंग्स, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह तो जाना ही होगा। जब आप बाहर निकलोगे ना, सब व्यवस्था है आपकी, सब नौकरी की व्यवस्था है, आपका हर कैरियर है, लेकिन घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैरियर आपको कहाँ से मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला। आपको घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। तो हर चीज आप ये मत रोना रोना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, सब है आपके पास, बस आप करना नहीं चाहते, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कभी भी दोस्तों मेहनत करने से नहीं डरा, मेहनत करो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको खुशखबरी जो है वो बता दूं, अब आज से दोस्तों और आगे जब भी क्लासेस होंगी हमारी, अब केजी क्लासेस पहले की तरह नहीं, अब आपकी जो केजी क्लासेस है वो आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। जो केजी क्लासेस है अब वो आपकी कन्वर्ट हो चुकी है डिजिटल क्लासेस में। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अब जो केजी क्लासेस है अभी आपकी डिजिटल क्लासेस बन चुकी है। इसके पीछे बहुत लंबी जर्नी है। इस वीडियो के साथ साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। देखो दोस्तों, अब आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो एक नए ही तरीके से एक्सप्लेन होंगे, आप समझ सकते हैं। और अब जो इरा चल रहा है हमारा, जो अब टेक्निकल युग आ गया है एजुकेशन के फील्ड में, तो हमें भी दोस्तों आगे बढ़ना होगा, हम पीछे नहीं रह सकते। हम भले ही कहें कि हम मतलब अपने उस बोर्ड पे या जो भी हमारा पैटर्न चल रहा है उस पे हम अच्छे से पढ़ लेते थे, सब कर लेते, लेकिन क्यों हम पीछे रहे किसी से। हमें भी तो आगे बढ़ने का कोई ना कोई राइट है ना, अधिकार है, हम भी तो आगे बढ़े, हम क्यों पीछे रहे। कोई फैसिलिटी है, कोई भी चीज है, तो क्या हमें नहीं मिले, हमें भी तो मिलनी चाहिए ना, हम भी तो उसको देखें कोई फैसिलिटी। यदि वही चीज दूसरे बच्चे को मिलेगी तो वो हमसे आगे निकल जाएगा ना, हम क्यों पीछे रहे किसी से, हम भी तो आगे बढ़ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। इसी की एक छोटी सी पहल है दोस्तों, जो मैंने प्रयास किया है कि अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे हैं, देखो बच्चों की ही वजह से, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इतना आगे या यहाँ तक मैं खुद की बदौलत पहुंचाऊं तो ये भ्रम है, मेरा भी भ्रम होगा, आप लोगों का भी भ्रम होगा। कोई भी व्यक्ति अकेला यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। मेरे पीछे मेरे बच्चे थे, मेरे जो दो बच्चों स्टूडेंट थे जिनको पढ़ाया वो थे, मेरी टीम थी जो मेरे साथ, मेरे दोस्त थे जो काम करते थे, मतलब उन सब के सहयोग की वजह से थोड़ा बहुत मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें रहा है तो यहाँ तक हम लोग आए हैं। और ये अंतिम नहीं है दोस्तों, ये स्टार्टिंग है, अभी हम लोगों को बहुत आगे का सफर तय करना है।
क्योंकि स्टूडेंट को जहां तक जो भी मैं फैसिलिटी दे सकूंगा वो प्रोवाइड यहाँ पर कराई है। मेरे बच्चे जो मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको मैं किसी भी चीज से पीछे नहीं देख सकता, उन्हें हर फील्ड में आगे बढ़ना है। आज के युग के हिसाब से उन्हें स्टडी करनी है, पढ़ना है, वो पीछे नहीं रह सकते। तो हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी है, और हाँ आप सभी को ये इसलिए वीडियो बनाई जा रही है कि आपके साथ शेयर करी जा सके कि अब जो केजी क्लासेस है वो केजी क्लासेस में है, अब केजी क्लासेस कन्वर्ट हो चुकी है डिजिटल केजी क्लासेस पे, ठीक है। अब आपके सारे डाउट्स फुली कंफर्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, जिस तरीके से अच्छे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो हायर क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अब आपको भी ऐसी एजुकेशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप आए, आपको 100% तरीके से सब चीजें अच्छे से समझाई जाएंगी। लेकिन अब जो केजी क्लासेस डिजिटल क्लासेस बन गई, क्या इसकी फीस भरी क्या होगा? बाकी कोचिंग इसमें पड़ जाती है, एसी है, सब है, क्या हर फैसिलिटी है, क्या केजी क्लासेस में फीस बढ़ेगी? अगला क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है, तो अगला क्वेश्चन आप सभी का यही होगा, क्या फीस बढ़ेगी? तो दोस्तों इस मुद्दे पे मैं थोड़ा समय आपका देना चाहूंगा और बात करूंगा, तो बने रहिए, ठीक है। थोड़ा अपन इस मुद्दे पे डिस्कशन करें, तो क्या फीस बढ़ेगी हमारी, ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे। तो क्या फीस बढ़ेगी कोचिंग में? नहीं दोस्तों, हमारी फीस कभी नहीं बढ़ेगी, अभी नहीं, कभी नहीं बढ़ेगी। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जिनसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था दोस्तों ये जर्नी जब मैंने स्टार्ट की थी और तब स्टूडेंट सिर्फ मेरे पास एक स्टूडेंट से दोस्तों मैंने स्टार्टिंग की थी। आज आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और भगवान की कृपा से सफिशियंट बच्चे हैं, कोई आवश्यकता नहीं होती है, और उन्हीं की बदौलत हम आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या केजी क्लासेस में इतनी फैसिलिटी के बाद भी कोई फीस बढ़ेगी? नहीं दोस्तों, ये फैसिलिटी मैंने पहले अनाउंस किया था, आज फिर आपके साथ अनाउंस कर रहा हूं, अभी नहीं, कभी केजी क्लासेस में कोई भी फीस आपकी नहीं बदलेगी। एजुकेशन के फील्ड से कोई भी फीस आपसे एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी, आपकी जितनी फीस है वही फीस रहेगी, आपकी कोई फीस नहीं बदलेगी, ठीक है। ये फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपकी कोई चार्ज नहीं बढ़ेगी। अगर आपके पास चार्जेस होता तो जो बच्चों के साथ आज हो रहा है वो नहीं होता। अगर आप ज्यादा फीस भर पाते ना तो सारी फैसिलिटी दे देते ना, नहीं, कोई फीस नहीं बढ़ेगी, आपकी जो फीस है आप उसी फीस में ये सारी सुविधाएं आपके साथ रहेंगी। तो कोई भी आपके जिन बच्चों के क्वेश्चन थे, मुझसे क्वेश्चन थे कि ये बोर्ड आ जाएगा, ये फैसिलिटी सब हो रही है, क्या इससे कोई फीस पे इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फीस जितनी थी हमारी उतनी ही रहेगी। क्लियर है बच्चों? इतना चीज के साथ क्लियर, तो ये पहला जो क्वेश्चन बच्चों का था वो मैंने क्लियर कर दिया। दोस्तों मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ, यूपी बोर्ड, मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि खास मेरे पापा अमीर होते ताकि मैं भी उन बच्चों के साथ पढ़ पाता, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ पाता, खास मेरे पास लैपटॉप होता, खास कंप्यूटर होता, ऐसी स्मार्ट एजुकेशन मैं भी कर पाता। लेकिन दोस्तों मेरा शायद सौभाग्य था कि मैं उस फैमिली में पैदा हुआ जहां मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, और मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों, कोई अफसोस नहीं है कि मैं क्यों नहीं हुआ, बहुत प्रसन्नता है। हम ऐसे युग में यूपी बोर्ड मिडिल क्लास एक बहुत वरदान है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी है, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। जिसने प्रॉब्लम्स कभी देखी नहीं हो दोस्तों, वो कभी प्रॉब्लम आएगा सिर्फ लड़ ही नहीं पाएगा। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। जब पढ़ता था तो अफसोस था कि ऐसी फैसिलिटी वाली एजुकेशन शायद मुझे भी मिलनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था। इसलिए दोस्तों देखो, आज हम उसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं कि कुछ नहीं है दोस्तों। फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी हमें आगे बहुत से काम आप लोगों के करने हैं, बस आप लोगों के साथ की आवश्यकता है। आप यदि साथ रहेंगे, बच्चे साथ हैं, तो क्या है यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, आप और हम मिलके ये अंतर ही खत्म कर देंगे। आप पढ़ाई के फील्ड में, मैं फैसिलिटी और एजुकेशन के फील्ड में, आप और हम इस सारे अंतर मिटाना है। तो इसी से आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो हाँ, ये ध्यान रखना, कोई भी फीस हमारी नहीं बढ़ने वाली। क्लियर? पहले अनाउंस कर दिया है, कोई भी फीस हमारी नहीं बढ़ने वाली है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब ये बहुत जरूरी डिस्कशन है, इसको अपन और अच्छे से समझेंगे। हाँ, इसको और अच्छे से अपन फिर से ठीक है। अब अपन इसको, हाँ ठीक है, अब इसको और अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप कंपैरिजन। अब देखें यूपी बोर्ड की हालत कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। क्यों ऐसा है, आप कंपैरिजन खुद कर सकते हैं। यहाँ पर यूपी बोर्ड में आप क्लासेस देखिए या गवर्नमेंट स्कूल देखिए, यूपी बोर्ड के आप कभी जाइए, आपको वहां इंटर करने की इच्छा नहीं होगी, अंदर जाने की इच्छा नहीं होगी आपको। मैं खुद पढ़ा हूँ यूपी बोर्ड में, गवर्नमेंट स्कूल। इस प्रकार की हालत है हमारे यूपी बोर्ड की। वो वही जो अमीर फैमिली की, मैं उनके विपक्ष में नहीं हूं दोस्तों, लेकिन हाँ उन्हें पैसे दे रहे हैं, वो इतना पैसे दे रहे हैं तो हाँ उसे फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन वो जिनके पास पैसे नहीं है, क्या उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? वो इतनी फैसिलिटी तो एटलीस्ट आप दे सकते हैं कि वो इन बच्चों से पीछे ना रहे। समय के साथ साथ यूपी बोर्ड कहीं खत्म होता जा रहा है, तो ये हमारे सोचने की जरूरत है। जो गरीब है वो इन बोर्ड में एफर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए आप, उन्हें स्मार्ट स्टडी है, इन सारे बच्चों को कौन सी स्टडी कराई जा रही है, स्मार्ट स्टडी कराई जा रही और हमारे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इनके लिए कोई स्मार्ट स्टडी नहीं। स्मार्ट स्टडी की तो बात ही छोड़ दो दोस्तों, इनसे उल्टे पैसे हाई फाई दिए जाते हैं और फिर भी इन्हें कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं दी जा रही है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से जिज्ञासा से एक ख्वाहिश थी कि अपने बच्चों को यूपी बोर्ड जहां से मैं पढ़ा हूं उनको भी फैसिलिटी दी जाए, उनको भी बेस्ट एजुकेशन दी जाए। नहीं दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, हर प्रकार की जो इन्हें क्वालिफिकेशन मिल रही है, जो एजुकेशन मिल रही है, ये इनके सपोर्ट में मैं भी हूँ। इनका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चों का समर्थक मैं चाहता हूँ। ये भी अपने अपने फील्ड में आगे बढ़े, लेकिन जब कंपटीशन एक पैरेलल हो तब ना। अब इनके पास जो है वो इनके पास नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है ये हमारे आगे बढ़ जाए, कोई बच्चे पीछे रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। यदि जो इन्हें मिल रहा है वही सारी चीजें इन्हें भी मिली, तब अगर कंपटीशन हो तब कोई रिजल्ट फाइनल हम डिक्लेयर करेंगे, कर पाएंगे। तो दोस्तों यही आपको बताना चाहता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। जो अभी तक यूपी बोर्ड के साथ हो रहा था वो बिल्कुल कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी तो नहीं कह सकता देखो दोस्तों, लेकिन हाँ मैं अपना 100% प्रयास करूंगा, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अपनी तरफ से मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ थे बच्चे, और हाँ फिर मैं एक और बताऊ, इस सारे यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, बहुत शानदार बच्चे, बच्चों ही की वजह से मैं यहाँ पर, जितने बच्चे आए जितने बच्चे पढ़े लाजवाब बच्चे थे, बहुत शानदार बच्चे।
और मैं बच्चों के साथ थोड़ा अटैच ज्यादा हो जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। मैं कोई बोरिंग टीचर नहीं हूँ, पहले ये भी बता दूँ, मैं बहुत मजाक करता हूँ, लेकिन चूंकि वीडियो है, बच्चे हैं, कहाँ से मजाक करें, ठीक है। लेकिन हाँ, जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर मजाक से ही क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब जो अभी तक हो रहा था अब वो नहीं होगा दोस्तों। यूपी बोर्ड भी हमारा टेक्निकल होगा, यूपी बोर्ड को भी हमारी स्मार्ट स्टडी मिलेगी, यूपी बोर्ड भी अब हमारा आगे बढ़ेगा। जिनके पास पैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब आपकी योग्यता पैसों पे निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। अब आपको वही फैसिलिटी जो आप कभी कल्पना करते थे कि हम ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं, अब आपके पास है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, अपन लोगों ने पहला प्रयास किया, धीरे धीरे सब करेंगे, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि सब करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखना, अभी तक जो चल रहा था वो चल रहा था, अब आपके पास फैसिलिटी है, सुविधा है, अब आपको मेहनत करनी है, और ऐसी मेहनत कि अभी तक जो बच्चे आपसे आगे निकल रहे थे आप उन्हें कॉम्पीट कर पाओ, ठीक है। देखो, कॉम्पिटिशन अपने आप से, ठीक है, किसी को पीछे नहीं करना है, एक चीज और, किसी को पीछे नहीं करना है, लेकिन हम खुद आगे बढ़े, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, क्लियर है कि नहीं है। तो हाँ, यूपी बोर्ड भी हमारा टेक्निकल होगा, ठीक है। और दोस्तों, ये जो जर्नी है, मैं कुछ ऐसे ही पहुंचा यहाँ पर, आपको थोड़ा अपने पिछले पोर्शन में भी ले जाना चाहूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्टिंग की थी। फिर मैंने अभी बताया, एक स्टूडेंट से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, तो क्यों ना थोड़ा पीछे देख ले जाके कि अपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी। दोस्तों, ये फोटो मैं आज तक मेरे पास रखता हूँ, क्योंकि कभी अपनी वो कहाँ से स्टार्ट की थी, अपनी औकात इस हिसाब से कहूँ तो आपको वो ना बोलूँ, क्योंकि कितना ही आगे बढ़ जाऊं, स्टार्टिंग तो यहाँ से करी थी, स्टार्टिंग तो एक स्टूडेंट से की थी। तो किस तो लर्न स्वभाव बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। तो यहां से स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों अपनी, स्टार्टिंग हमने यहां से की, और स्टूडेंट की तब संख्या मैंने तो बताया आपको, एक एक से दो हुए, दो से तीन, चार, ये कारोबार चलता था, और दो स्टूडेंट्स की हेल्प से, उनकी मदद से, उनके प्यार से हम लोग यहाँ तक आज पहुंच पाए। और आज आप देख सकते हैं, आज अपन स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लाए हैं यहाँ ललितपुर में, आप क्लासेस में, कोचिंग्स में, जे भी इस तरीके से डिजिटल क्लास पहली अपन लोग लाए, और फुल फैसिलिटी आपके पास है, अब आपको पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं बोल रहा हूँ, ये जो पीछे है हमारे पास, ये आज का आधुनिक युग का बहुत टेक्निकल चीज है, इससे पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है। फिर कह रहे, आपकी जो एजुकेशन है, जो हमारी एजुकेशन है आपकी, ध्यान रखना, फिर आप पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा, हमारी एजुकेशन बहुत इजी होगी इससे। देखो, क्योंकि ये जब आया था तब मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, हमें इसका नॉलेज हो रहा है, और हमें पता चल रहा है वास्तविक ये एजुकेशन फील्ड में क्रांति है। स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल पैनल बहुत जरूरी है, और जो चीज जरूरी है वो मेरे बच्चों के लिए चाहिए ही चाहिए, आना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग एक छोटे से बोर्ड से हुई थी हमारी, और आज हम लोग एक स्मार्ट क्लासेस बना पाए हैं ललितपुर के बच्चों की हेल्प की बदौलत, उनके सपोर्ट, उनके प्यार की बदौलत, जो उनने केजी क्लासेस पे ट्रस्ट दिखाया। और मेरा आपसे वादा है, ना आज, ना आगे, ना कभी, केजी क्लासेस आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा, कभी नहीं तोड़ेगा, ये हमेशा बना के रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जर्नी देखिए पहले की और अब की,
हाँ तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो इस पैनल की मदद से जो हमारी एजुकेशन है ना, अब वो बहुत इजी हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, एजुकेशन अब बहुत इजी होने वाली है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपके बैचेस का टाइमिंग है वो आगे मैं बता रहा हूँ क्या रहेगा, कैसा रहेगा, सब इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आगे बताता हूँ कि क्या हमारी बैचेस की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, क्या सरप्राइजेस? यही था और कोई सरप्राइजेस नहीं है। देखो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो सरप्राइजेस हमारे यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक है, सरप्राइजेस हमारे और भी हों जो हम आगे आपको बताएंगे जब आप कोचिंग्स में आएंगे। ठीक है, वहाँ पर पता चलेगा। सरप्राइजेस हमारे बहुत हैं, अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी तो सरप्राइजेस की स्टार्टिंग है दोस्तों। ठीक है, तो सरप्राइजेस यहाँ पे ख़त्म नहीं है। ठीक है, बहुत ढेर सारे सरप्राइजेस हैं। ये एक आपके लिए छोटा सा सरप्राइज था जिसका मैंने वीडियो बना दिया है। और अब समय है जो नए बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं उनका टाइमिंग आपको बता दिया जाए, कब होंगे, किस टाइम पे होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको सरप्राइज अभी और मिलेंगे जब आप आएंगे। ठीक है, एजुकेशन अब बहुत इजी होने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, हाँ तो ये रहा हमारा बैचेस का टाइमिंग जिसको अपन डिस्कस कर दें। ओके, तो यहाँ पर इसको सेटल करते हैं। अब इतना सुनिए आप, जो नाइन्थ का बैच है, जो हमारा नाइन्थ का बैच है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। क्लियर, जो नाइन्थ का बैच है वो हमारा 1 अप्रैल से, क्लियर, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। उसकी टाइमिंग होगी इवनिंग में 5। ठीक है, इवनिंग में स्टार्ट होगा ये हमारा बैच, इवनिंग में लगेगा नाइन्थ का बैच। क्रिस्टल क्लियर, देखो दो जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुन लें। 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल आपका एक भी दिन बहुत कीमती होगा। अब तो जरूर होगा क्योंकि चीज़ें, लेकिन हाँ पीडीएफ होगा तो वो आपको मिल तो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगी, इसलिए 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल। ओके, और जो हमारा 10th का बैच है ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो 10th में बोर्ड में बच्चे आ गए हैं उनके लिए ध्यान। आपका बैच 20 मार्च से स्टार्ट होगा, इसी 20 मार्च से। ओके, इसका टाइमिंग होगा नून। ठीक है, दोपहर में 2 बजे नून में, क्लियर है कि नहीं है? दोपहर में हमारा 2 बजे इसका टाइमिंग रहेगा। ओके, और जो हमारा 12th का बैच है वो भी ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वाले बच्चे ध्यान से सुन लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कोई भी मतलब डिले किया कुछ भी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, जो भी आपका नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, ध्यान रखना। इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास, बोर्ड है और बहुत इम्पॉर्टेंट, एग्जाम बहुत टफ आता है। इस साल का जो एग्जाम आया था वो पेपर आया था, आप सभी ने देखा होगा, टफ था, ध्यान रखना। ओके, तो 12th का जो बैच है वो 15 मार्च से स्टार्ट होगा और हमारा 9 AM मॉर्निंग में, ये जो बैच है हमारा लगेगा मॉर्निंग में। ओके, तो ए अब 11th का बैच, तो 11th का बैच अभी सबर रखो, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद 11th का बैच स्टार्ट होगा और आपसे डिस्कस भी कर दिया जाएगा, क्लियर। तो अभी ये बैचेस की टाइमिंग, हाँ तो बच्चों यदि आप लोग इस बैच टाइमिंग की स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा बैचेस टाइमिंग है, 11th का बैच मैंने आपको बताया ही है, जब हमारा 10th का रिजल्ट आएगा तब हम बैचेस में ही बता देंगे। ओके, तो हाँ दोस्तों अब आप खुश रहिए, यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं आप इंजॉय कर सकते हैं। अब आपकी एजुकेशन बहुत रिवोल्यूशन आएगा, एक तरीके से बिल्कुल क्रांति आ जाएगी एजुकेशन में, बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। मैं फिर आपको बताता हूँ, अब आपकी एजुकेशन बिल्कुल टेक्निकल होगी, जो चीज़ें अभी आपको समझने में दिक्कत हो रही थी अब बहुत आसानी से आप उनको क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। जब आपको क्लासेस होंगी तब आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, तो यहीं पे अब हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
तो ये छोटा सा सरप्राइज था आप लोगों के लिए, छोटा सा अनाउंसमेंट था जो मैं करना चाहता था। ओके, तो अब जो केजे क्लासेस में जो भी क्लासेस होंगी वो हमारी डिजिटल पैनल पे होंगी और भी अच्छे से होंगी, टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा हमारा और बहुत अच्छे से। आप और भी सरप्राइजेस हैं मैंने आपको बताया है, लेकिन वो समय के साथ साथ आपको बताए जाएंगे। ओके, तो यहीं पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। ओके, तो धन्यवाद।